नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंजबासौदा विधायक लीना जैन ने कहा, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं ऑक्सीजन की कमी गंजबासौदा में कभी नहीं होने दूंगी। शहर के तत्काल मरीजों को ऑक्सीजन मशीन की जरूरत पड़ने पर घर पहुंचाई जाएगी। मरीजों के लिए अब शहर के दानदाता भी आगे आ गए हैं और क्षेत्रीय विधायक को ऑक्सीजन मशीन समाज सेवियों ने भेंट की। विधायक लीना जैन ने बताया, तत्काल में कोई मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो मशीन तत्काल उपलब्ध कराऊंगी। उन्होंने बताया, बहुत जल्द एक समिति का गठन हो रहा है। जो भी मशीन दानदाताओं द्वारा हमारे पास आएंगी, वह मशीनें मरीजों के घर पर समिति द्वारा भेजी जाएंगी। रविवार को दोपहर शहर के समाज सेवियों ने दो ऑक्सीजन मशीनें उपयोग के लिए सौंपी, ताकि मरीजों के लिए ऑक्सीजन भरपूर उपलब्ध हो सके। साथ ही विधायक ने सभी समाज सेवियों का आधार माना। उन्होंने कहा कि शहर में सभी आगे आ रहे हैं। इससे पहले 5 मशीनें हमें शहर के समाज सेवियों के द्वारा दी गई थी और आज 2 मशीनें हमें मिली हैं। उन्होंने कहा कि 2 प्रकार के शहर में अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान का मकसद हमें सभी को स्वस्थ देखना है। हर घर सर्दी जुकाम खांसी के मरीजों का सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद हमारी टीम उन्हें किट प्रदान करेगी और RT-PCR टेस्ट के लिए प्रेरित करेगी। फिलहाल हर संभव प्रयास यह है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। विदिशा गंजबासौदा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। किसके लिए दे रहे हैं और अभी तक कितनी मशीनें टोटल दे चुके हैं? ये मशीनें मैं नहीं दे रही हूँ, ये मुझे समाज सेवियों द्वारा प्राप्त हुई है। आदरणीय भगत सिंह जी हैं, बहादुर सिंह जी हैं, आदरणीय हमारे अध्यक्ष नागरिक बैंक के जितेंद्र जी, इनके द्वारा ये मशीनें हमको मिली हैं और ये सेवा के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इससे पहले भी मुझे 5 मशीन और मिली थी, जो मैंने कोविड सेंटर में दे दी हैं। मेरी तरफ से भी कोविड सेंटर में 20 जंबो सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, कंसंट्रेशन मशीन उपलब्ध करवाई गई हैं और मैं विश्वास दिलाती हूँ बासौदा में ऑक्सीजन की कमी किसी को भी महसूस नहीं हो पाएगी। भाभी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है घर घर जाकर, अभी देखने में आ रहा है कि ना तो उनके पास मशीन है कोई सी जो ऑक्सीजन वो हाथों से वाली मशीन है जाँच करते हैं, इसके लिए क्या? मैं आप लोग को बता दूं, 2 टीम गठित हुई है। एक टीम सिर्फ सर्वे करेगी, क्योंकि पता नहीं क्यों नागरिक डर रहे हैं, तो एक सिर्फ सर्वे करेगी। तो वो ये सिर्फ आपके घर जाएगी और पूछेगी कि आपको बुखार है, किसी को बुखार तो नहीं है, सर्दी खांसी तो नहीं है, या कोई भी जो भी सिम्टम्स कोरोना के हैं उसके बारे में जानकारी लेगी। जैसे ही पता चलेगा कि किसी घर में ये सिम्टम्स हैं तो हमारी जाँच टीम जाएगी, वो जांच करेगी और किट उपलब्ध करवाएगी और RT-PCR के लिए भी प्रेरित करेगी। अभी तक समाज सेवा में कितनी मशीनें टोटल हो चुकी हैं? 7 तो ये हो गई हैं, इसके अलावा 5 कोविड सेंटर में भी हैं, 2 ये हैं और 20 सिलेंडर हैं, जंबो सिलेंडर हैं 20, इसके अलावा